संजय निषाद भी जुड़ गए हैं, अहम घटक हैं, और आजकल जाति का खेल भी बहुत उसकी गूंज सुनाई दे रही है। संजय निषाद, अखिलेश यादव अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं, थोड़ी सी टेंशन बढ़ रही है क्या एनडीए खेमे में? कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यादव भी ये यहां पर दूसरी टेंशन हो गई, टेक्निकल दिक्कत आ गई है, फ्रेम फ्रीज कर गया है। अभी आवाज सुन पा रहे हैं संजय निषाद? हाँ सुन रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए, आपका वीडियो तो अटक गया। हाँ बोलिए प्लीज। मैं कह रहा था कि यादव भी हिंदू है और यादव भी गरीब है, उसकी भी समस्याओं का समाधान एनडीए ने किया है। सभी देश के सभी हिंदू ये चाहते थे कि राम मंदिर बने बन गया है, इसलिए यादव भी वोट दे रहा है। इनके वजह से कुछ नहीं है, कुछ झुंडों के वजह नहीं, विपक्ष सब फ्रंट फुट पर खेलने लगा है। अभी अखिलेश यादव, खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, ताल ठोकेंगे अमेठी से, ये दो लड़के दिक्कत देंगे तो, क्या? नहीं कुछ नहीं, नौ पार जब से निषाद पार्टी खड़ी बड़ी हुई है तब से उनकी उल्टी गिनती कांग्रेस की हो गई। इस समय कांग्रेस की दो सीट है, मेरी 11 है। बसपा की एक सीट है, हमारी 11 है। समाजवादी पार्टी हाफ हो गई है। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से निषाद पार्टी आई तो हाथी और पंजा साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई, और देखिए आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी साथ हो गई। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं पीडीए एनडीए को हराएगा। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी। तो मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर संजय पीडीए नहीं थे क्या? जब मैं अपनी आवाज दिल्ली पहुंचा रहा था रेल के माध्यम से, तो रेल से जेल भेज दिया उन्होंने, आज के दिन में गोली मरवाए और हमारा भाई मारा गया, 302 का मुलजिम हो गए, अखिलेश निषाद मारा गया। तब ये पीडीए नहीं थे क्या हम लोग आज के दिन में? ओम प्रकाश भाई पीडीए नहीं है क्या आज के दिन में? ये हमारे उड़ने को नहीं मिलता है किसी विभाग में, और हर जगह देखिए लेदरमैन है, आज मिल्कमैन है। इससे मतलब क्या, कब नौकरी आती सत्ता आने के बाद? ये निषाद पीडीए नहीं है क्या? 18% आबादी है, उसका भी बेटा दरोगा बन सकता था। चुनाव दिलचस्प हो गया है क्या? आप इतने पुराने हैं, धुरंधर हैं चुनावी राजनीति के, अब चुनाव दिलचस्प हो गया? नहीं, आज के दिन में सभी लोग 400 पार एनडीए सरकार होगा, क्योंकि 325 सीट पहले भी आई थी। 400 पार तो तब होगा जब दिल्ली, जब यूपी में कुछ आप बंटाधार कर पाएंगे विपक्ष का, या विपक्ष मजबूती से उठता दिख रहा है। यूपी तो कुंजी होगी, चाबी होगी। 2019 में आपने देखा होगा एक समस्या था उत्तर प्रदेश में कि 30 साल से साइकिल लाओ हाथी हटाओ, हाथी हटाओ साइकिल लाओ पंजा। लेकिन 30 साल बाद जब डॉक्टर संजय आ गए, हाथी साइकिल एक हो गई, और एक होने के बाद 2019 में लड़ी, मोदी जी देखो फिर से प्रधानमंत्री हो गए, और किस तरह की ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो मतलब आप कह रहे हैं दिक्कत नहीं है, पर सुरेंद्र राजपूत ये देर तो नहीं कर दी मन बनाने में? पहले अखिलेश से शुरू करते हैं, फिर राहुल की भी बात करेंगे। अखिलेश ने मन बनाने में देरी कर दी क्या? बिल्कुल नहीं। कहते हैं ना राहुल और अखिलेश, इनका होगा उत्तर प्रदेश। अब आज की डेट में उत्तर प्रदेश हमारा है, और पूरी पूरी तरीके से कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे। भी डॉक्टर संजय निषाद जी कह रहे थे बड़े नेता हैं निषादों के, भाई हमें जरा ये बता दीजिए डॉक्टर संजय निषाद साहब, क्या हुआ जाति जनगणना का? क्या हुआ तेरा वादा? जाति जनगणना अभी तक हो क्यों नहीं रही? एनडीए के घोषणा पत्र में क्यों नहीं? आप विरोध क्यों कर रहे हो जाति जनगणना का? आप क्या चाहते नहीं हो कि क्या नाम निषाद और मछुआरा समाज जो है इसमें चला जाए एससी कोटे में? आज तक आपने किया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने आपको लगातार धोखे में रखा। आप तो इतने बड़े नेता हो मछुआरा समाज के, हम लोगों के जल क्षत्रिय हो आप, तो जल क्षत्रियों को आप मुझे बता दीजिए कि जाति जनगणना क्यों नहीं? आपके तो मुख्य डिमांड थी। एक मिनट ये सवाल पूछ लेता हूँ डॉक्टर संजय निषाद से, ये सवाल पूछ लेता हूँ संजय भाई, जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? जितनी आबादी उतना हक मिलना चाहिए कि नहीं? पहले पहला नेता जनगणना संविधान के मुताबिक सेंसस मैनुअल 1961 के अनुसार मांग किया था, समाजवादी पार्टी ने गोली चलवा दी थी।
मैं चाहता हूँ भाई आपकी बात कीजिए ना, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में जब एलसीपी ग्राहक की गिनती पहले भी होती है, संख्या की गिनती पहले भी होती है, सामान की गिनती नहीं होती है, तो हमको कहाँ रखा गया है, सामान में क्यों डाल दिया गया, हम अनुसूचित में थे, तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ विसंगति दूर हो जाए, ये पाइपलाइन में निशाब कहाँ है, रस्सी में है, रस्सी में है, ये समझाइए ना बीजेपी वालों को। पर अभी आप मुस्कुराने लगे, जातिगत जनगणना का तो मुद्दा उठा दिया, मेन सवाल का जवाब नहीं दिया। एक नहीं नहीं नहीं, मैं सुरेंद्र राजपूत से पूछ रहा हूँ, सुरेंद्र राजपूत को लगी दूसरी बात कहता हूँ, छोड़ देते जी। मैं बिल्कुल आप डॉक्टर साहब को इससे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, हम इससे में बहुत परेशान हैं, हम दूसरी बात कहते हैं, आप आ जाइए, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है, आज की डेट में हमारी रणनीति का ही तो प्रत्युत्तर है कि क्या नाम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी दोनों ही सांस छोड़ो के नाम वो हो गए हैं, दोनों ही परेशान हो गए, पता नहीं कितनी ओछी भाषा का इस्तेमाल करने लग गए। आज की डेट में अपने 10 साल के काम तो गिनाते नहीं, अग्निवीर पे तो वोट नहीं मांग रहे, नोटबंदी पे तो वोट नहीं मांग रहे, बेरोजगारी पर तो वोट नहीं मांग रहे, महंगाई पर तो वोट नहीं मांग रहे, वोट किस पर मांग रहे हैं, इनहेरिटेड टैक्स। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।